नमस्ते दोस्तों, मैं चवन सर, एनसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में जनरली फाइव टाइप्स के एग्जांपल पूछे जाते हैं। नंबर वन सर्कुलर, नंबर टू रो, नंबर वन सर्कुलर, नंबर टू रो, नंबर थर्ड स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, नंबर फोर हेक्सागोनल एंड नंबर फाइव मिसलेनियस। जो भी मतलब कि वन टू थ्री फोर में जो नहीं आते वो मिसलेनियस में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में अभी वन बाय वन कंसेप्ट मैं आपको बोलना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल फेसिंग इनवर्ड डायरेक्शन, जैसे कि सेंटर के तरफ देख रहे हैं, टूवर्ड द सेंटर, सेंटर के तरफ, और ये जो है ये अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, इसको बोला जाता है आउटसाइड, ठीक है। तो पहला जो टाइप है, पहला टाइप है ऑल ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, सेकंड जो है उसमें ऑल ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। और कभी कभी क्या होता है कि कॉम्बिनेशन में भी पूछा जाता है, सम ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड द सेंटर एंड सम ऑफ देम नॉट फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। लेकिन आपके डिपार्टमेंटल के हिसाब से जो पहला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड तो लगभग नहीं पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रो अरेंजमेंट। अभी रो अरेंजमेंट सॉल्व करते समय हमको ये तो ऑलरेडी पता है न्यूज़, क्योंकि हमने ये डायरेक्शन टेस्ट में देखा है, ठीक है। न्यूज़ ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट और ये हुआ साउथ। अब यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम को देखते ही हम इस तरीके से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑल ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। सेकेंड डायग्राम को देखने के बाद में कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑल ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड द साउथ डायरेक्शन। और थर्ड डायग्राम को देखते ही हम इस कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि पैरेलल रो अरेंजमेंट है, पैरेलल। और इसमें भी क्या है कि जो फर्स्ट रो है, रो नंबर वन फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन एंड रो नंबर टू फेसिंग टूवर्ड द साउथ डायरेक्शन, ठीक है, और पैरेलल। अभी देखो आपके डिपार्टमेंटल के हिसाब से ये जो फर्स्ट टाइप है वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइप वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड और थर्ड तो नहीं पूछा जाएगा आपके इसमें, फिर भी अगर एग्जांपल अगर आती है तो हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट अभी स्क्वेयर एंड रेक्टेंगुलर दोनों इसमें डायग्राम का डिफरेंस है, बाकी तो कंसेप्ट लगभग सेम ही है। जैसे कि प्रॉब्लम इस तरीके से बोला जाता है, कॉर्नर के मेंबर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, जैसे कि यहाँ पे देखने के बाद में ये कॉर्नर के मेंबर है, ठीक है, फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, और जो मिडल में है फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, ये मिडल वाले फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, ठीक है। इसी का दूसरा ये हुआ फर्स्ट टाइप, मतलब कि कॉर्नर मेंबर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर एंड मिडल मेंबर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। दूसरा जो है ऑल ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, मतलब कि कॉर्नर के भी सेंटर और मिडल के भी सेंटर। और तीसरा जो है ऑल ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, मतलब कि सभी के जो कॉर्नर के हैं उसके बाद मिडल के हैं, सभी कहाँ पे देखेंगे, आउटसाइड देखेंगे, ठीक है। अभी देखो स्क्वायर रेक्टेंगुलर आते ही डायग्राम यही बनाना है, बाकी जनरली कंसेप्ट तो यही यूज़ होती है। रेक्टेंगुलर में कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे कि लार्जेस्ट साइड जो है वो लार्जेस्ट साइड पे दो मेंबर बैठा है, लेकिन इतना हार्ड जनरली बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है, आपके डिपार्टमेंट में नहीं आएगा। मेरे हिसाब से अगर आपके डिपार्टमेंट में अगर पूछेगा तो सेकंड टाइप इंपॉर्टेंट है, बाकी ये फर्स्ट और थर्ड इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में लगभग कितने साइड होते, सिक्स साइड होते और सिक्स कोने होते, तो हर एक कोने से अगर मैं एक एक एरो निकलता हूँ तो ऑल ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, कभी कभी ऑल ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, लेकिन जनरली ऑल ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड द सेंटर का एग्जांपल पेपर में एक बार आया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मिसलेनियस। अब देखो स्टार्टिंग में हमने सर्कुलर देखा, उसके बाद में रो अरेंजमेंट देखा, उसके बाद में स्क्वायर रेक्टेंगुलर देखा, उसके बाद में हेक्सागोनल देखा। अब जो भी इसके अलावा जो भी बचता है वो सब मिसलेनियस में पूछा जाएगा, लेकिन मिसलेनियस भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से। मैंने जो स्टार्टिंग में चार टाइप बोले वो उसी में से पेपर में आएगा, ठीक है। उसके बाद में अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप और नॉट अ टाइप। अभी तो हमने लगभग सभी टाइप तो कवर कर ही चुके हैं, इसके बाद में हम डायरेक्टली एग्जांपल देखेंगे, और एग्जांपल को देखने के बाद में कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे कंसेप्ट यूज होते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल में ही बोलना चाहूँगा, ठीक है, ओके। इसके बाद में अभी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, APR X, S and Z आर सिटिंग इन अ रो।
अभी देखो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट पढ़ते ही तीन और तीन छः मेंबर है और कहाँ पे बैठते हैं, एक रो में बैठे। जब कभी भी रो का डायरेक्शन गिवन नहीं है, जैसे कि ऑल ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड दी साउथ, ऑल ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड दी ईस्ट वेस्ट, दैट टाइम ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए नॉर्थ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिक्स मेंबर ड्रॉ करूँगा, 1 2 3 4 5 6, ऑल ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड दी नॉर्थ डायरेक्शन। अब नॉर्थ डायरेक्शन होने के बाद में सेकेंड स्टेटमेंट में इस तरीके से वर्ड यूज़ किया है, एस एंड जेड आर इन द सेंटर। तो एस और यहाँ पे जेड, सेकेंड डायग्राम जेड और एस, क्योंकि एस और जेड सेंटर में तो है, लेकिन कौन किसका राइट लेफ्ट है ये यहाँ पे क्लियरली दिया नहीं। तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम ड्रॉ की, एक मैं जब पॉसिबिलिटी आती है तो डेट टाइम अगर वो कैंसिल होता है तो मैं कैंसिल कर दूंगा, नो डाउट। ए एंड पी आर एट द एंड्स, ए और पी, तो यहाँ पे मैंने ए लिखा, उसके बाद में पी लिखा, यहाँ पे मैंने ए लिखा, उसके बाद में मैंने पी लिखा। लिखने के बाद में आर इज सिटिंग टू द लैपटॉप ए, अगर मैं ए को यहाँ पे लिखता हूँ तो आर लिखने के लिए मेरे पास प्लेस वैकेंट नहीं है, तो 100% मेरे को ए कहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस प्लेस पे लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको मिटाना चाहूँगा, ठीक है वेट कर थोड़ा। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ए, और उसके बाद में ये जो प्लेस बचता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्यों पी होगा, क्योंकि अगर मैं ए लिखता हूँ तो उसके बाद में आर इज़ सिटिंग टू द लैपटॉप ए, तो मेरे पास प्लेस वैकेंट नहीं है, इस वजह से मैं ए को यहाँ पे लिखूँगा, आर को यहाँ पे लिखूँगा, और उसके बाद में पी को यहाँ पे लिखूँगा। अब लिखने के बाद में मेरे पास एक ही अल्फाबेट बाकी है जिसका नाम है एक्स, और यहाँ पे पूछा है हु इज़ टू द राइट ऑफ पी। पी का अगर राइट देखते हैं दोनों डायग्राम में, यहाँ पे भी पी हो जाएगा, यहाँ पे भी ये आर हो जाएगा और ए हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स, दोनों डायग्राम में एक्स कॉमन है, राइट। वो कॉमन होने के बाद में अभी प्रॉब्लम में इस तरीके से क्वेश्चन किया है, हु इज़ द राइट ऑफ पी, यहाँ पे इमीडिएट वर्ड यूज़ होना चाहिए था जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी का राइट है, इमीडिएट राइट और राइट, वो कौन हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और एक्स कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है। तो मैंने बी को क्लिक करने के बाद में उन्होंने आंसर राइट दिखाया, ओके ठीक है। उसके बाद में अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे।